इस कंपनी से बड़े बड़े धमाके की आवाज भी आ रहे हैं, जिससे यहाँ पर डर का माहौल काफी बना हुआ है। तो देखो आग लगने की खबर को लेकर क्या पुष्टि की गई है, क्या कारण हो सकता है? के बाजू वाले कंपनी में भी 40 से 50 ड्रम रखे हुए थिनर के, अगर उसमें आग लगती है तो बस्ती वाले को और नुकसान हो सकता है। पीछे बस्ती है और बस्ती वालों को पहले से हमने चेतावनी दे दिया है कि वो घर खाली करके थोड़ा दूर चले जाए। मेरे को अगला दुकान वाला बोला तेरे कंपनी में आग लगा, मैं भागते भागते परिवार को निकाला तो बगल वालों को चमकाया। मैं इस वक्त छावनी के श्रमिक नगर पर मौजूद हूं और इसे इंडस्ट्रियल एरिया भी कहा जाता है। इस इंडस्ट्रियल एरिया में काफ़ी सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जिसमें से एक फैक्ट्री ऐसी है जिसमें एक भयानक आग लगी है। आज शाम को एक खबर आई है, आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, एक टैंकर है जिसमें कुछ भयानक केमिकल थे, उसमें आग लगने की वजह से पूरी कंपनी में आग लगी हुई है। आप विजुअल में लगातार देख सकते हैं कि कितना भयानक नज़ारा है। लगातार दमकल की गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद होते जा रही है, लगभग 3 दमकल की गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँच चुकी है और तमाम स्थानीय पुलिस और ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पर माहौल को कंट्रोल करने के लिए मौजूद है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो कंपनी है उसको कंपनी में चौक बनाया जाता है, वहाँ पर थीनर और तमाम जहरीले केमिकल भी रखे हुए हैं, जिसके कारण यह आशंका लगाई जा रही है कि आग जो है और बढ़ सकती है। तो उस आग को कंट्रोल करने की लगातार कोशिश की जा रही है। इस मामले में और क्या कुछ अपडेट है हम आपको इस पूरे वीडियो में दिखाएंगे। जिस कंपनी में आग लगी है वहाँ पर एक चौकीदार काम करते हैं, उस चौकीदार से बात करते हैं कि ये आग कैसे लगी, क्या कुछ इसके उसको लेकर पूरा अपडेट है। आइए चलते हैं। तब मैं वही रहता हूँ, बचपन से काम कर रहा हूँ। हाँ। तब मैं जैन साहब धर्मू साहब के यहाँ काम करता हूँ बचपन से, मेरा बच्चा सब परिवार पूरा वही रहता हूँ। परिवार कितने बजे लगा कंपनी में आग? आग लगा है 7 बजे लगा है। और मेरे को अगला दुकान वाला बोला तेरे कंपनी में आग लगा, मैं भागते भागते परिवार को निकाला तो बगल वालों को चमकाया, मेरे को भी जलवाया। भैया आप ये बताइए, इधर आइए। कंपनी क्या बनाती है? चौक बनाती है। कैसे, क्या कारण बताया जा रहा है आग लगने का, क्या कारण है? ये भैया उनके चौकीदारी करते हैं, मिसेज बच्चे थे सब वही रहते हैं, इनके यहाँ पे चौकीदार है, चौक कंपनी के चौकीदार है। अच्छा, ये चौकीदार है, बच्चे सब वही रहते हैं। जब भाई कुछ हो जाएगा आपको मोदी सरकार को और मेरे भाई को लड़ना पड़ेगा, भी मर जाएगा तो तुम लोग आपका सामान आपकी पत्नी बाहर निकल गई है, निकल गए सब, निकल गए हैं, एक भी आदमी अभी कंपनी के अंदर में नहीं है ना, चेक कर लिए पुलिस वाले जाके। आप ही बताइए कितने बजे लगी है? ये लगभग 6-7 बजे के आसपास। अच्छा, क्या कंपनी है, क्या बनाती है कंपनी? थिनर का कंपनी है ये, है ना, और वो जो ट्रक खड़ा हुआ है आग वहीं से शुरू हुई है। अच्छा, है ना, हाँ, कंपनी से आया हुआ है ना, हाँ, और बहुत भारी मात्रा में लगा हुआ है और पूरा केमिकल के होने की वजह से कुछ सिलेंडर्स भी हैं बहुत सारे वहाँ पे जो काम के लिए उपयोग किया जाता है। तो अब फायर ब्रिगेड तो बहुत लेट हो चुका है आने में, काफ़ी हमारी आग भी फैल गई है और बस्ती पे बस ना जाए, हम सब मिल के भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि बस्ती एकदम लगा हुआ है, पूरा झुग्गी झोपड़ी एरिया है मेरा। स्थानीय लोग ऐसा बोल रहे हैं कि बस्ती में आग लगने की बहुत सारी आशंका है आग को? हाँ, आशंका तो पूरी है, लेकिन अब फायर ब्रिगेड अपना काम शुरू कर दिया है तो मुझे उम्मीद है कि सब थोड़ा देर में सब कंट्रोल करेंगे, है ना। तो देखो ये आशंका बार बार जताई जा रही है यहाँ पर कि आग इतना खतरनाक लगा है कि लोग डरे हुए हैं और लगातार जहाँ पर जिस कंपनी में आग लगी है वहाँ से लोगों को दूर दूर खींचा जा रहा है और लगातार यहाँ से अभी तक 3 दमकल की गाड़ियाँ जा चुकी है और पूरी सेना यहाँ पर कोशिश कर रही है कि आग को कंट्रोल किया जाए और यहाँ पर पूरे बस्ती के लोग एक साथ इकट्ठा हो चुके हैं। 7 बजे के आसपास ये आग लगी ऐसा बताया जा रहा है। तो ये आग लगने के बाद अंदर कितने लोग थे, क्या बताया जा रहा है? अंदर भी सारे कर्मचारी लोग थे, लगभग 150-200 लोग थे, लेकिन सब सही सलामत बच चुके हैं अभी तक, तो जो मेरी जानकारी है अभी तक भी लगा है। सब गांजा वाजा पीते हैं यहाँ पे, सब उन लोगों ने गांजा वाजा पीते हैं, माचिस फेंक देते हैं, उसी से हुआ है भैया। सब यहाँ पे गंजड़ी लोग बांटते हैं रात में दारू, क्या ऐसा भी माहौल है यहाँ पर? इंडस्ट्री एरिया में मैं ऐसा है, मैं भी समझ रही हूँ जो बता रहे हैं लोग, क्योंकि कंपनी पीते हैं भैया, माचिस फेंक देते हैं तो आग लगे, वहाँ किनर कंपनी है भैया, किनर कंपनी में आग लगी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भीड़ इतनी ज्यादा हो चुकी है और यहाँ का माहौल इतना गर्म हो चुका है कि लोग काफी हड़बड़ा रहे हैं
और यहाँ पर जो पार्षद महोदय हैं उनसे बात हुआ है हमारी, तो उन्होंने क्या कुछ कहा ये आपने सुन लिया है, और भी हम यहाँ पर स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और आग पर कितना कंट्रोल हुआ है ये भी जानते हैं। मेरे इस तरफ वो कंपनी जहाँ पर आग लगी है वो भयानक आग भी आप विजुअल में देख सकते हैं, और तमाम नेता और स्थानीय पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और दमकल की गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद है, और कंपनी के जस्ट इस साइड स्थानीय लोग जो है यहाँ पर खड़े होकर ये देख रहे हैं कि मामला कब सुलझेगा और कब आग पर कंट्रोल की जाएगी। स्थानीय लोग काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं और यहाँ पर आकर इकट्ठा हो चुके हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं बैरिकेडिंग लगा हुआ है, और ये भी खबर बताई जा रही है कि कुछ स्थानीय लोग इतने घबरा गए हैं कि अपने घरों से सामान खाली कर कर बाहर आ चुके हैं, और साथ ही इस कंपनी से बड़े बड़े धमाके की आवाज़ भी आ रहे हैं, जिससे यहाँ पर डर का माहौल काफ़ी बना हुआ है। तो मैं कोशिश करूँगा कि लोगों से बात करने की और ये जानने की भी कि इस कंपनी का मालिक कौन है और मालिक को इस कंपनी में आग लगी है ये खबर मिली है या नहीं। क्या नाम है भैया आपका? अनिल सिंह। क्या अभी अपडेट मिला है, कब क्या कुछ पता चला है अभी? ये आग कम से कम 6:30 बजे से लगा हुआ है, अभी तक इस पर कोई काबू नहीं पाया। उसके बाजू वाले कंपनी में भी 40 से 50 ड्रम रखे हुए थिनर के, अगर उसमें आग लगती है तो बस्ती वाले को और नुकसान हो सकता है, और बाजू वाले ही कंपनी में 5 से 6 LPG के सिलेंडर भी हैं। अच्छा, तो स्थानीय लोग जैसे बता रहे थे कि हम खुद भी देख रहे हैं कि सामान खाली कर रहे हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा जो आसपास के घर वाले हैं बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, कहीं घर में आग पहुँच ना जाए या लग ना जाए, इसके चक्कर में स्थानीय लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। आग पे भी अभी तक कोई काबू नहीं पाया है। कंपनी के मालिक कोई जानकारी है कि नहीं कंपनी में आग लगी? अभी तो उन्हीं को पता होगा। अच्छा, क्या नाम है कंपनी के मालिक का? नाम तो नहीं पता। नाम नहीं मालूम है आपको? चलिए ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं। देखिए, आप अलमारी फ्रिज निकाल कर लोग अपने घरों के बाहर इंतज़ार कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आग पर काबू किया जाए, और तमाम दमकल की गाड़ियां और पुलिस, ट्रैफिक पुलिस यहां पर मौजूद है। इंडस्ट्रियल एरिया पर आग लगने की खबर के बाद यहां पर लोकसभा प्रत्याशी राजेंद्र साहू जी मौजूद है, उनसे समझते हैं कि क्या कुछ अभी अपडेट मिला है आपको। अभी की स्थिति में आग पर धीरे धीरे काबू पाने का प्रयास कर रही है फायर ब्रिगेड, किसी प्रकार की जनहानि की सूचना अभी तक नहीं मिली, और ईश्वर से कामना करते हैं कि कोई जनहानि न हो और जल्द आग पे काबू पाए। इस पे हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस पे काबू पाने। गर्मी के मौसम में लगातार ऐसी खबरें आती हैं, तो ऐसी घटनाओं को काबू पाने के लिए क्या कुछ तैयारी की जा रही है? प्रशासन को आने वाले समय में अलर्ट रहना पड़ेगा ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, और उसके जो भी उपाय हों वो सभी इंडस्ट्रीज को निर्देशित करें ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। स्थानीय लोगों के बीच में एक डर पैदा है कि बाकी जो लगे हुए कंपनी है वहाँ भी आग लगने की आशंका बढ़ती जा रही है, इसको लगे क्या अपडेट है? अभी तक तो स्थिति में काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है, और हम चाहते हैं कि आग पर काबू मिल जाए, आसपास ना फैले ताकि जनता को बचाया जा सके, आसपास की जो संपत्ति है उसको भी बचाया जा सके, क्योंकि घटना विकराल रूप ना ले इसके लिए प्रशासन ज़्यादा प्रयास करे। आग लगने की खबर को लेकर क्या पुष्टि की गई है, क्या कारण हो सकता है? अभी तक तो ऐसी कोई कारण की जानकारी नहीं मिली है, खाली हम लोगों को सूचना मिली कि आग लगी है, तो हम लोग तत्काल यहाँ आए और जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से और BSP प्रशासन से और भिलाई नगर निगम के कमिश्नर से हमारे महापौर जी ने चर्चा की, और तत्काल यहाँ आग पे कैसे काबू पाया जाए इसके लिए हम लोग तत्पर हैं। धन्यवाद हैं। और अभी इस वक्त लोकसभा प्रत्याशी विजय बघेल जी भी यहाँ पर मौजूद है, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ अभी इनको अपडेट मिला है। विजय बघेल जी, बंद है नहीं, मैं तो है ना फायर ब्रिगेड बघेल जी, BSP दे दीजिए। क्या कुछ अभी तक अपडेट मिला है? नहीं, अभी फायर ब्रिगेड आ गई है और कंट्रोल है अभी आग, और हम लोग तो वहीं खड़े हैं, दिख रहा है, और उधर भी दोनों तरफ से फायर ब्रिगेड अपना काम कर रही है, क्योंकि चूँकि ये ऑयल फैक्ट्री है तो ऑयल का पूरा भंडार है वहाँ, ड्रम में भी है, कुछ सिलेंडर हैं, उसके कारण थीनर भी है, तो उसके कारण कंट्रोल करने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन बहुत जल्दी हम ये कंट्रोल कर लेंगे, ऐसा मेरी बात हुई है पूरे जो शासकीय जमले लगे हैं उससे। पीछे बस्ती है और बस्ती वालों को पहले से हमने चेतावनी दे दिया है
कि वो घर खाली करके थोड़ा दूर चले जाए ताकि उसके चौपट में ना आए। पूरी बताया जा रहा था कि कंपनी में कुछ कर्मचारी भी मौजूद थे, उनको कोई नुकसान पहुंचाया तक तो अभी खबर नहीं आ पाई है, जब आग कंट्रोल में आएगा तभी खबर लगवाएगी। गर्मी के मौसम में ऐसा बताया जाता है कि इस तरह की घटना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसी घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ तैयारी की जाए? सतत लगे रहते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं कोई चूक हो जाती है। अब तो कारण बाद में पता चलेगा, अभी तो हम कंट्रोल करें फिर वो बाद में पता चले कि कारण क्या है और कारण को कैसे रोका जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर लोकसभा प्रत्याशी विजय बघेल जी भी मौजूद हैं, हम उनसे जो कुछ बातचीत किए हैं वो आपने सुना होगा। इससे पहले लोकसभा प्रत्याशी राजेंद्र साहू भी यहाँ पर मौजूद थे, तो लगातार नेताओं का भी सपोर्ट जो है यहाँ पर यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए बना हुआ है और सभी लोग मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो इतनी बड़ी आग लगी है इसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ये आग बहुत बड़ी है। स्थानीय लोगों के तरफ से बताया जा रहा है कि ऐसी आग कभी यहाँ पर नहीं लगी है, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, आगे क्या कुछ अपडेट होगा, हम आपको केपी न्यूज़ में लगातार देते रहेंगे। लेकिन आपको केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चाहिए क्योंकि आपको इस प्रकार के तमाम अपडेट खबरें मिलते रहे। धन्यवाद। न्यू वीडियोज़ के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएँ।